तो भैया जुगाड़ एक ऐसा शब्द है जो हम इंडियंस की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब वो भले एक बॉटल से शावर बनाना हो या आयरन से दूध गर्म करना, वी इंडियंस आर लेजिट जुगाड़ू एंड दिस इज प्रूवन बाय मेनी इंडियंस। तो हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक पसानी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही लेट होने वाला है, पूरी वीडियो के अंदर दिवाली बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कहानी जुगाड़ की। तो ऐसे बनाई हमने हमारी स्टूडियो लाइट। ओए शुरू से बता रहे मैं कब पहुंच गया, शुरू से बता। ओ हां शुरू से बता रहा हूं। तो सीन ये था कि जब भी मैं घर में वीडियो शूट करता था तो मेरी लाइटिंग बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं रहती थी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई माय वीडियोस क्वालिटी डोंट लुक इंप्रेसिव। ओह दैट्स बिकॉज ऑफ द लाइट। आई तो थॉट कि तेरा कंटेंट ही बकवास है। चुप, उस पे ध्यान मत दो, मैं आगे बताता हूँ। तो आई डिसाइडेड टू बाय ए स्टूडियो लाइट, बस वो थी 8,000 की और हमारा बजट उसके आसपास भी नहीं था। खानदानी गरीब है, हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। तो भैया एक तो हम इंडियन और जुगाड़ करना हमारे खून में है। ओ ऐसा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। तो भैया आई डिसाइडेड टू मेक ए स्टूडियो लाइट एट होम। यस आपने सही सुना। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी भीजी बना। अब कैसे, तो मैं शॉप पे गया और सामान लेके आ गया। मजा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो रुको जरा, सबर करो। नहीं आया ना, चलो मजे दिलाता हूँ। फाइनली मैं घर आ चुका हूँ एंड मुझे जो जो सामान चाहिए था, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो वायरिंग करानी थी, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सो मैं आपको पहले फर्स्टली वो चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने वायरिंग कैसे कराई है, एंड तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि क्या करना पड़ता है। एंड उसके बाद मैं जो भी फिक्सिंग वगैरह, जो टेप वगैरह, जो रिंग लाइट जैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, बस आपको जो वायरिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो ऑलरेडी आप करा सकते हो जहाँ से आप ले रहे हो ये सारी लाइट्स। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ओके सो फाइनली दिस इज़ व्हाट आई गॉट। तो बेसिकली ये अलग आता है एंड उसके साथ साथ मुझे सिर्फ इतनी वायरिंग मिलती है, हाँ यहाँ तक इतनी वायरिंग मिलती है। ये एक्स्ट्रा वायर मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा कराया क्योंकि मुझे थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए था। तो ये जो लाइट है ये एलईडी लाइट से जो हम दिवाली में लगाते हैं, अच्छी चीज़ हो गई कि मुझे ये मिल गया। एंड ये लाइट मुझे पड़ी अराउंड 150 की, आपको 100 में भी मिल सकती है, बट मुझे जो दुकान वाला 150 में दे रहा था वो मुझे सारी फिटिंग्स वगैरह करके और अच्छा रेट में, और दिस इज़ आई गॉट एट अराउंड 100 रुपीज़ में मुझे ये मिला। एंड इसमें मुझे 6 महीने की वारंटी मिली, ऐसी वारंटी मिलती है पता नहीं क्यों। एंड ये प्लग भी लगवाया मैंने। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पार्ट मिलता है लाइट लेने जाओ तो, बट ये जो आप तामझाम कराओगे तो ये सबसे पहले आप उनसे ही कराना, क्योंकि आप करने जाओगे तो आपसे गड़बड़ हो सकती है, बहुत टाइम भी लग सकता है। तो टाइम बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग आगे बढ़ते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें लगाने में, वायरिंग वगैरह करने में। तो आगे बढ़ते एंड आगे आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि मैं कैसे बनाने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग को एक रिंग लाइट के लिए काम आएंगी। तो इसमें मैंने आप लोगों को सब बता दिया है कि आपको क्या क्या चाहिए रहेगा। दिस इज बटर पेपर, चार्ट पेपर, टेप, ग्लू गन भी आपको कभी काम आ सकती है इफ आप लोगों को टेप यूज़ नहीं करनी तो, ग्लू, स्केच पेन, पाइप, एक स्टैंड के लिए पाइप। दिस इज़ वॉट वी डू इन जुगाड़।
ये बहुत इजी और ऐसी मिल जाने वाली चीज़ें बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी कोई भी स्टोर में। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक अच्छी सी लाइट बना सकते हो आप अपने खुद के डिज़ाइन से, आपको कैसी चाहिए वैसे। सो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बनाना रिंग लाइट और स्टूडियो लाइट। ओके सो मैंने इसमें दो लेयर लगा दी है, लाइक मैं इसमें थोड़ा ऐसा थिक कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ऐसा पतला हो गया था तो मुझे लग रहा था कि गिर जाएगा, तो मैंने इसमें दो लेयर लगा दिए। अभी इसके ऊपर मैं चार्ट पेपर लगाऊंगा तो वो वाइट हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो ये ऐसा रिंग तो बन गया है। अभी मुझे इस पर जो लाइट्स है वो चढ़ानी है, तो अभी आप एक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। मैं अभी लाइट लगाने वाला हूँ तो उसका एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा होगा आई गेस। ओके सो नाउ इज द टाइम कि हम हमारी रिंग लाइट चेक करेंगे। सो लाइक दिस, ये मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जब स्विच लग जाता है तब कैसे दिखेगा। सो लाइट देख सकते हो कैसी आ रही है, एंड दिस इज द लाइट जो मैंने बनाई है। सो बेसिकली अभी इसका ना बटर पेपर लगाऊंगा क्योंकि अगर बटर पेपर नहीं लगाऊंगा तो इस पर बहुत हार्श लाइट आती है मेरे फेस पे, तो अभी इस पर बटर पेपर लगाएंगे और इस पर स्टैंड पे लगाएंगे और इसकी जो वायरिंग है वो एक स्टैंड पे लगा देंगे तो बन जाएंगे। सो लेट्स डू दिस। ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर कवरिंग विद द बटर पेपर। सो अभी इससे क्या होगा, ये बटर पेपर क्या काम आता है, बेसिकली बटर पेपर का काम ये होता है कि जो आपकी लाइट होती है, जो हार्श लाइट होती है जो आपके फेस पे आती है। अभी मेरी लाइट इतनी कुछ पावरफुल नहीं है तो मैंने सिर्फ एक लेयर लगाया है, मैं वैसे तीन लेयर लाया था, तो अगर मेरी लाइट हार्श होती तो मैं दो तीन लेयर लगाया होता है जिसके कारण लाइट का स्प्रेड भी अच्छी से होती है और फेस पे ऐसा स्मूथ इफेक्ट दिखता है। सो बटर पेपर रिक्वायर्ड तो मैंने लगा लिया, अभी अच्छा जाएगा बटर पेपर से कुछ। तो भैया अभी लाइट तो वो तैयार है बट अभी इसे हम लोग ऐसा खड़ा कैसे करेंगे। हाँ खड़ा कैसे करेंगे, तो अब मेरे पास ट्राईपोड तो है नहीं, जो बड़ा वाला है वो मेरा मुंबई में छूट गया है, बट अभी मुझे एक जुगाड़ याद आया। ये पता क्या है, ये जो हम लोग इसमें साफ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो मैंने उसका ऊपर का लिया और वो फेंक दिया, एंड नहीं फेंका नहीं रखा है, फेंक दूंगा तो मम्मी मुझे फेंक देंगी, तो मैंने उसे रखा एंड अभी मैं इसे उसमें अटैच करूंगा और आपको बताता हूँ कि अभी ये स्टैंड बनने के बाद कैसा लगेगा। तो भैया जी खुशी की बात ये है कि हमारी रिंग लाइट बन चुकी है और अपने कदमों पे खड़ी हो चुकी है। तो ऐसे बनाई हमने हमारी स्टूडियो लाइट। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। माय मेन एम वाज कि जो एंजॉयमेंट के लिए आते हैं उन्हें एंजॉयमेंट मिल जाए और जो इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं वो उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, तो मतलब एक तीर से दो निशाने। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक, कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन व्हाट पीस।